गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मास ब्लॉग। माय नेम इज अंकिता। तो गाइस आज है 21st of May और आज है आश्रित का बर्थडे। यस, आज आश्रित हो गया है पूरे 3 साल का कंप्लीट और उसको लग गया है 4th साल। तो अभी फिलहाल के लिए आश्रित गया है नहाने के लिए। मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि हम लोगों का प्लान है कि हम लोग सबसे पहले दिन की शुरुआत करेंगे मंदिर से। तो हम फटाफट नहा धो के अब जा रहे हैं मंदिर। तो अभी आशीष जो है वो डुगो को नहा रहे हैं और उसके बाद आश्रिता नहाएगी और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। आज ट्यूजडे भी है तो हनुमान मंदिर जाने की सोच रहे हैं। तो यस, गर्म बने रहिए चैनल में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डुगो को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए और अच्छा अच्छा विश लिखिए कमेंट में। तो यस, स्टे ट्यून्ड गाइस। मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। उसके लिए मैंने पैन कर लिया है गरम और इसमें ऐड कर देते हैं अब घी। और ये घी जो है वो मेरा घर का घी है। और ये है सूजी 1 कटोरी। तो मैं नाप के बनाऊंगी क्योंकि उससे ना चीनी का अंदाजा सही रहता है, तो इसलिए मैं नाप के बना रही हूँ। तो थोड़ा सा घी गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे सूजी। और यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ पनीर के पराठे बनाने की। तो पनीर लेकर आ गए थे पापा पीछे से और ये मैंने आटा गूंद के रख दिया है। तो फटाफट बना लेंगे इसमें पनीर के पराठे। पर सबसे पहले बना रहे थे हम लोग अपना मीठा सूजी का हलवा। तो आई थिंक घी गर्म हो गया है और इसमें डाल देते हैं सूजी। इसको अच्छे से भून लेते हैं हम। तो गाइज यहाँ पर मेरा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है और अब मंदिर में लगा लेते हैं इसका भोग। और आप लोग कीजिए डुगू को विश। डुगी डुगी कहाँ है, डुगी कहाँ है? तो गाइज बोलिए डुगू को हैप्पी बर्थडे। से थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू। तो यस गाइस, अभी हम लोग निकल, पहले कर लगा लेती मैं मंदिर में भोग और उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं मंदिर। ये देखो वाटर मिलने वाला है। शटल कैसे आ रहा है? कौन सी चाहिए? कोई चाहिए, कोई ले लो, कोई ले लो, कोई कौन सा लो। हाँ होंगे बबल। कहाँ है बबल? फिर तुम अपना मत दिखाओ, वो अपने आप देख लेगा। बताओ कौन सा इसका दूसरा शूज का है? पता नहीं, पकड़ना है। जल्दी बताओ। कौन सा वाला? ये ये छुपा चुप। चलो चुप, चलो तुम भी ले लो। तुम्हें भी क्या लेना है? चलो टेक ओनली वन। हाँ ओके डन, ठीक है ले लिया। चलो ओनली टेक ओनली वन वन। हम लोग पहुंच गए हैं घर, मंदिर में दर्शन करके आ गए हैं। डुगू को माथा पे टिका दिया है और यहाँ देखो डुगू, क्या हुआ डुगू बताओ? चोट कैसे लग गई? मंदिर से इसके नाक से खून, तो परेशान हो गई। इसको हल्का सा भी लगती है, इसके नाक से इतना खून निकलता है ना, हर गर्मी में इसका यही हाल है। और डॉक्टर ने क्या बोला है? ये हमारा हस्की है। डुगू आप हमारे हस्की हो ना, डॉक्टर ने बोला इसको एसी में रखो क्योंकि शायद इसको क्या बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना, इसकी वजह से इसके नाक से बहुत ज्यादा खून निकलता है। ऊपर 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 दादू के पैर छुओ। गुड बॉय। दीदी को भी दे देना है इसमें से। अभी आपके लिए गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ मैं। है क्या ला रहे डुगू? ये आपको अच्छा लगता है? दादू ने लाए थे। थैंक यू बोलो। और एक ये है, ये आपका मुंह मीठा कर देंगे। थैंक यू बोलो डुगू। थैंक यू बोलो। थैंक यू।
इसके देखो फिर से खून निकल गया। तीसरी बार है। हाँ सुबह से थर्ड टाइम है इसका। अब लेटे रहो थोड़ी देर, फिर दरवाजा बंद कर दो, एसी में लेटे रहो थोड़ी देर, लेटे रहो अभी ना थोड़ी देर लेटे रहो। नोजी में उंगली तो नहीं डाली थी आपने? नोजी में उंगली नहीं डालो, ठीक है? तो गाइस ये हो रही है बच्चों के लिए पैकिंग रिटर्न गिफ्ट। तो इस बार मैंने रिटर्न गिफ्ट में रखा है खाने के आइटम्स, मतलब मैंने कुछ ऐसे गिफ्ट वगैरह नहीं दिया है। हमने रखा है चोको पाए, एक छोटी सी डेरी मिल्क, फ्रूटी चिप्स। तो ये है बच्चों का रिटर्न गिफ्ट और अभी आशीष और सोना ने मिलकर ये सारा डाला है और हमने इतनी जल्दी डाले ना, इतनी जल्दी क्योंकि मम्मी अभी काम कर रही थी, थोड़ा सा काम किचन का काम कर रही थी, तो जब हमने आना निपटा लिया था। तो गाइस अभी ये आशीष और सोना ने मिलकर डाल दिया है पैकेट में और अब मैं इसको पैकेट को कर रही हूँ इस तरफ से फोल्ड। तो ये अभी मतलब वो बांध रही है मम्मा, तो इसमें वो बांध अभी अभी कितने हुए हैं मैंने काउंट नहीं किया, बाद लास्ट में काउंट करेंगे। तो मम्मी लगा रही है इसमें कुछ पैक करने के लिए बोल। तो गाइज अभी बजे हैं शाम के 4:30 और खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ, मतलब खाना बच्चों को तो मतलब बोला नहीं है खाने के लिए, खाने के लिए सिर्फ घर वाले हैं, तो बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने पहले ही बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है छोले और यहाँ पे बना है मटर पनीर। तो गाइज अभी बज गए हैं शाम के 4:45 और बच्चों ने और आशीष ने मिलकर आधा बलून फुला दिया है और इसको फटाफट हम लगा लेते हैं दीवारों में। तो यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ केक का जो सेटिंग है वो यहाँ पर करने वाली हूँ और थोड़े थोड़े बलून्स यहाँ पर लगा देंगे। और डुगू अभी कर रहा है आराम, उसको सुला दिया है ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश फील करे केक कटिंग के टाइम में। तो फटाफट अब करते हैं केक का मतलब सॉरी बलून का काम पूरा और बलून फटाफट फुला रहा है। तो गाइस अभी हो गए हम सब लोग रेडी और डेकोरेशन भी हो चुका है। तो ये है मेरा फाइनल लुक आज का डुगू के बर्थडे का। और यहाँ पर नेहा भी आ गई है मेरी फ्रेंड और दूसरी ये भी दूसरी नेहा आ गई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। आदि हाय करो, से हाय 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 राधे हाय। और ये राधे की देखो कितनी क्यूट लग रही है ड्रेस, राधे हाय। और ये है हमारा बर्थडे बॉय और ये है आशत का फुल आउटफिट और यहाँ पे डेकोरेशन भी डन है। ये केक काटने वाले जगह और थोड़े थोड़े बलून यहाँ पे भी लगा दिए और अभी खाने पीने का भी सारा सामान आ चुका है ऑलमोस्ट, बस अब ये पिज्ज़ा आ चुके हैं, ये नूडल्स वगैरह आ चुके हैं और ये है डिस्पोजल ग्लासेस वगैरह। तो यस अभी वेट करते हैं हम लोग बाकी बच्चे आने का और यस केक भी आ चुका है। तो केक अभी मैंने फ्रिज में रखा है तो जैसे सब लोग आने लगेंगे तो हम लोग केक भी बाहर निकाल देंगे। तो अभी बाकी बच्चे नहीं आए हैं, 6:45 हो गए, 5 बजे का टाइम दिया था तो अभी सब लेट चल रहा है, लेट्स सी अब कब तक आते हैं वो लोग। तो स्टे ट्यून्ड। आउट आउट है, चल हाय बोलो हाय। तो गाइस ये हमारे बच्चे आ रखे हैं तो अभी हो रहा है इन लोगों का खाना पीना। तुम बड़ी स्लो हो, जल्दी खाओ आंशु, जल्दी खाओ, वो देखो हमने खा लिया है। गाइस ये है आश्रित का केक, आश्रित बताएगा आश्रित कौन सा केक है और स्पाइडरमैन कैसे करता है। चलो Happy birthday to you. Happy birthday.
गाइस फाइनली डुगू का बर्थडे अभी हो गया है खत्म, मतलब डुगू का बर्थडे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी 15 मिनट बचे हैं, 12:15 हो रहे हैं, बट यस पार्टी अभी खत्म हो चुकी है। तो अभी ये लोग इतना इंपेशेंट हो रहे हैं गिफ्ट खोलने के लिए, मैं तो चाहती थी कल अलग से एक ब्लॉग बनाऊं गिफ्ट खोलने का, बट ये बहुत ज्यादा ये लोग इंपेशेंट हो रहे हैं। तो अभी इन लोगों ने आधे गिफ्ट खोलने स्टार्ट कर दिए, तो मैं आपको दिखा दूं। डुगू आपको क्या मिला है ये दिखाओ, ये क्या है? वाओ ये तो बड़ी प्यारी सी कार है, मेरी है। ये किसने दिया आपको? आदि ने। आदि ने दिया, वाह खोलो इसको अभी, अभी इसको बाद में खोलेंगे ठीक है। हाँ वन चला ले, नहीं चलाएंगे कल, अभी सिर्फ खोल के रख दो ठीक है। और वो दिखाना था वो ड्रेस जो उसने दी है अंशु ने, इसको दिया है बहुत प्यारा सा एक ड्रेस, ये जिसका ये कार्गो और ये प्यारी सी शर्ट, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ये किसका है? अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड। एक और दिया था ना, और ये दिया है उसके नानू भैया ने, दादा ने, और एक ये दिया है। वाव प्रिंकल्स भी है इसमें तो, और ये देखो ना बॉल, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट ये दिया है निश्चय भैया ने, और ओ माय गॉड ये तुम्हें क्या चाहिए था, ये तो डुगू का है तुम्हें नहीं मिलेगा। और डुगू को मिला ये डांसिंग कैक्टस निश्चय भैया ने, मैं बच्चा हूँ क्या देखने जाए इसकी बात, तो क्या हो तुम भैया किसके भैया? नहीं अब कल खेल खोलेंगे, अरे डुगू अब नेक्स्ट खोलो। ये दिया है तनिष्क ने, चलो खोलो। डुगू को मिला है ये कलर सेट डोम्स का, पढ़ाई की चीजें हैं ये बाद में चलाएंगे। गिफ्ट और दूसरा गिफ्ट मिला है शिवांश की तरफ से, खोलो पसंद आने वाला है। डुगू क्या है, डुगू क्या है, क्या क्या है इसमें? क्या क्या डुगू को बोलिए, तो पुलिस वाला है, हथकड़ी, सीटी और गन। अब तो डुगू पुलिस मैन बन गया, और ये क्या गन होगा ना, गन की गोली। डुगू ये हथकड़ी, ये अब तो डुगू पुलिस मैन बन जाएगा। हाँ कोई बात, तो रिधान और डुगू मिलके खेलेंगे ना, और दादा को मिलते हैं। हाँ चलो अब नेक्स्ट खोलो। माय गॉड इसमें तो डुगू को मिला है, क्या मिला है डुगू? ये भी चोको पा है, ये भी चोको पा है, और डुगू को मिला है एक और गिफ्ट, ये मैकेनिकल का कुछ है, इसमें ऐसा कुछ गियर वगैरह बनाना है ये, है ना, मजा आ गया। और ये दिया है हर्षाली और नवू ने बैट, ये बोलेंगे पापा। हाँ। बहुत सारे बहुत